अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं तंदूरी चिकन बोटी। बहुत ही मजेदार, घर के हाजिर मसालों से बनती है। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, सबसे पहले मैरिनेशन बना लेते हैं। एक प्याले के अंदर 1/4 कप गाढ़ी दही भर के डालिए। उसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी भर के लीजिएगा। 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पर ना मैं 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। मेरे पास ज़्यादा स्पाइसी वाला जो होता है ना, वो नहीं है, तो मैं 1.5 डाल रही हूँ। अब आपके पास स्पाइसी वाला भी हो ना, तो आप क्या कीजिए, 1 टेबलस्पून ये जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है वो डाल दीजिए, और बाकी 1 छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला रेड चिली पाउडर डाल दीजिएगा। 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ये जो मेथी आती है ना सूखी वाली, उसे हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा पहले तवे पे भून लीजिए और फिर डाल दीजिएगा इसे क्रश करके हाथों की मदद से। थोड़ा सा रेड फूड कलर जो आता है ना तंदूरी का, वो मैं डाल देती हूँ। अब ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। 3 टेबलस्पून मैं यहाँ सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। और 1 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 मीडियम साइज़ का नींबू निचोड़कर डाल दीजिए पूरा बिना भिज्जे के साथ। अच्छा, मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि काले नमक, तो काला नमक में भी नमक का तो स्वाद है ही और चाट मसाले में भी है, तो सबसे पहले मिक्स कर लीजिए और नमक चख लीजिए और नमक फिर स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। मैं यहाँ ना 1/2 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब आप आपके हिसाब से डालकर इसे मिक्स कर लीजिए, और अब चिकन के ऊपर हम ये मसाला मैरिनेशन जो है लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो तक की चिकन ली है और धोई हुई है, चर्बी निकाली हुई है, 2-3 पानी से धो के 10-15 मिनट मैंने छन्नी के ऊपर निकालने रख दिया था। अच्छी कम्प्लीटली ड्राई हो गई। तो अब ना ये जो बोटी भी देख सकते हैं आप, बहुत छोटी छोटी है और ये हड्डियों के साथ है। हाँ, आप चाहें तो बिना हड्डियों वाला भी ले सकते हैं। इसमें डाल दीजिए हमारा सारा मैरिनेशन बढ़िया वाला, और ये डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर आप इसे ढककर फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए, या जितना समय आपके पास हो उतने समय के लिए रख दीजिए। मैं इसे ढककर रख देती हूँ, मैं नेक्स्ट डे पकाने वाली हूँ, तो काफ़ी घंटे मिल जाएंगे ना थोड़ा मैरिनेशन के लिए। चलिए, नेक्स्ट डे हो चुका है। कढ़ाई या फ्राई पैन का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, और ये जो चिकन पीसेस है जो हमने मैरिनेट करके रखा है वो डाल दीजिए। अच्छा, मैंने नेक्स्ट डे बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेक्स्ट डे ही बनाना है। आपके पास जितना समय हो, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, उतने के लिए मैरिनेट करने रख दीजिएगा। चलिए, अब मैंने फास्ट आंच पर रख दिया, और इसे है ना ऐसे ही 3-4 मिनट तक पकने दीजिए। जब 3-4 मिनट हो जाए ना, तो उलट पलट करते जाएं और तकरीबन टोटल 5 से 6 मिनट पका लीजिए। जब 5-6 मिनट हो जाती है तो इसको स्लो आंच करके ढक कर तकरीबन 15-17 मिनट पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं गल जाती। पीसेस बहुत छोटे हैं तो जल्दी गल जाएगी चिकन, आपके पीसेस बड़े होंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए, 15-16 मिनट हो चुके हैं, खोल कर चेक कर लीजिए। वैसे चिकन गल चुकी है क्योंकि बहुत छोटी चिकन थी। अब ये जो पानी दिख रहा है ना आपको, चूल्हा फास्ट आंच करके ये जो पानी है ये सुखा लीजिए। देखिए, चिकन हो चुकी है ना, और जब पानी सूख जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद, और यहाँ मैं बीच में स्पेस कर देती हूँ और ये वाटी रख देती हूँ साइड पर। मैंने 5 मिनट पहले कोयला जलाने रख दिया था, अब उस पर गर्मा गर्म कोयला रख दीजिए, और इसके ऊपर घी तेल या मक्खन क्विकली डालिए कोयले के ऊपर, और क्विकली ढाक दीजिए इमीडिएटली, और उसके ऊपर कुछ वजन रख दीजिए। 5-6 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए, सो दैट अच्छा धुएंदार बनेगा तो मज़ा आएगा ना। 5 मिनट के बाद खोल लीजिए और ये जो कोयला है उसे फेंक दीजिए, वाटी हटा दीजिए, एक बार चलाकर मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर ना मैं लास्ट प्रोसीजर ये है कि ग्रिलिंग प्लेट लगाकर इसके ऊपर ये जो चिकन के पीसेज है इस तरीके से रखती हूँ, और चूल्हा फास्ट आँच पर चालू करके उसे भून लेती हूँ। तो ग्रिलिंग स्पॉट्स भी तो आने चाहिए ना, अगर हम तंदूरी टाइप बना रहे हैं तो बस चारों ओर से डार्क स्पॉट्स आने लगे वहीं तक इसे बार बार उलट पलट करते हुए ग्रिल कर लीजिए। जब ग्रिल हो जाए और डार्क स्पॉट्स आ जाए तो निकाल कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बैचेस में सारे ग्रिल कर लीजिए गैस के ऊपर।
मैं इसे बैचेस में फ्राई कर रही हूँ, लेकिन साइड बाय साइड ना मैंने 2-3 टेबल स्पून ये मक्खन एक कटोरी में डाला है और उसे स्लो आंच पर गरम पे रख दिया है। जब पिघल जाएगा तो चूल्हा बंद कर दीजिएगा। चलिए ये ग्रिलिंग भी पूरी तरीके से ये देखिए हो चुकी है। बाकी का एंड का था ये भी मैंने प्लेट में ले लिया है। और अब ना ये प्लेट जिसमें हमने चिकन रखी है उसमें ये जो गर्मा गर्म वाली हमारी मक्खन है पिघला हुआ ये डाल दीजिए। आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये डालिए, मिक्स कीजिए। ये डालने का मकसद ये है कि ड्राई ड्राई नहीं लगेंगे और मज़ेदार से टेस्टी लगेंगे। अब जब सर्व करने का टाइम आए तो थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिएगा हमारी तंदूरी चिकन बोटी के ऊपर। और आप चाहें तो थोड़ा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया और मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल लच्छा प्याज के साथ और वो जो हरी वाली दही की चटनी आती है ना, इन दोनों के साथ। वैसे इन दोनों की रेसिपी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार लजीज बनता है, उंगलियाँ चाटते रह जाओगे आप। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप रेसिपी आपको ये वाली अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।